स्पेशल गोवा से लोगों के लिए ट्रीट्स आई हैं। हाँ जी, आ गए आप चंडीगढ़ से? क्लोव टैटू है, आधा घंटा लाइनिंग करूंगा, कलर बाद में करूंगा। पूरा घर साफ। बेटे हमारी गाड़ी गायब होगी। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज ओहो दिन की शुरुआत कितने बजे हो रही है? 2 बजे। स्पेशल गोवा से लोगों के लिए ट्रीट्स आई हैं। ओहो वाह, क्या बात है, खा के देखो, बहुत टेस्टी। सबके लिए। मोटे कैसी लगी? काजू की बर्फी, चक गचक। थैंक यू सो मच। गुड, गोवा का सामान। टेस्टी है ना? हाँ जी, आ गए आप चंडीगढ़ से? आपकी की सोच रखी है आपकी? काहे सोची हैं? गोवा की स्पेशल चिन्नी होगी, गुड़ नहीं होगी। चिन्नी है, चिन्नी। पता क्या डिजाइन है? मैं कर लूंगा अपना, मैंने चेयर पे बैठ के करना। क्लोव टैटू है, आधा घंटा लाइनिंग करूंगा, कलर बाद में करूंगा। मेरे को किसी क्लाइंट ने बताया था ये, मैंने उसके लिए डिजाइन करके रख दिया था, मगर वो आया ही नहीं बंदा। अब मैंने डिजाइन किया हुआ है, मेहनत की हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने ही बना लेता हूँ। ये होता है फॉर लक एंड प्रॉस्पेरिटी। लो जी, डिजाइन हमने निकाल लिया है। ये है जी डिजाइन, क्लोव टैटू। ये करेंगे आज, कुछ हाफ एन आवर का टाइम लगेगा अपने को। आधे घंटे के अंदर हमने ये टैटू कर देना कंप्लीट। अभी सिर्फ आउटलाइन ले रहा हूँ, और कुछ टाइम के बाद जब ये थोड़ा हील हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें करेंगे कलर। कौन सा? ग्रीन कलर। ठीक है, अपने को ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। एक अपने को स्टूल चाहिए, और उसके बाद सेटअप डन। कर लेते हैं सेटअप। वर्क स्टेशन का सेटअप करना बहुत ज़रूरी। सबसे पहले चीज़ों को सैनिटाइज कर लेते हैं। बहुत दिनों के बाद आज मशीन पकड़ूंगा, कुछ 2 महीने बाद। इसमें हम लोग रखते हैं जी अपनी यूज्ड कार्ट्रिजेस, और ये सारी की सारी डिस्पोज ऑफ होती है। वर्क स्टेशन सारा का सारा सेट किया, और उसके बाद आगे की कार्रवाई। हाँ जी, यस बेबी। पूरा घर साफ, मेरे को लग ही रहा था, तभी लेट आया तू। चलो अच्छा है, हो गया ना काम। झाड़ू पोछा दीदी आए थे? पनीर की भुर्जी और चने की दाल। गुड, डन है जी। फिर मैं ज़रा टैटू कर लूँ, फिर टाइम वेस्ट। निकाल के इसको बाहर रख दो, 2 महीने के बाद मशीन पकड़ूंगा मैं आज।
आउट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत घूम फिर लिए, नाउ बैक टू, बहुत ज़रूरी है। ओके, मशीन सैनिटाइज करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, इसको सैनिटाइज करेंगे। डायरेक्टली मशीन के ऊपर हम कभी नहीं मारते जी, इसके ऊपर किया, उसके बाद उससे मशीन सैनिटाइज। और हाँ, ये प्रोसेस करने से पहले मैंने अपने हैंड वॉश कर लिए हैं, सैनिटाइज कर लिए हैं। ओके, ग्लव्स। फिर हमारा जो टैटू है वो कंप्लीट हो चुका है, जस्ट बिकॉज के एवरीबडी वॉज ऑक्यूपाइड इन द सलॉन, तो किसी की मैं हेल्प नहीं ले पाया फॉर वीडियो, शूट नहीं कर पाए, बट हाँ छोटे छोटे ग्लिम्स लिए थे, स्टेंसिल प्लेस आउट किया, उसके बाद लाइनिंग शुरू करी है ना, अभी हम लोगों ने लाइनिंग करके कंप्लीट कर दिया है इसको, बट यस नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको थोड़ा सा और ठीक करेंगे। एंड मुझे ये देखना है कि ग्रीन कलर करें या क्या करें, वैसे ग्रीन कलर होता है, बट अगर ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है जी, खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है। अब टोटल टाइम हमें इसको बनाने में लगा 1 घंटा पूरा, आराम आराम से, प्यार प्यार से बिल्ड कर रहा था, पेन भी हो रहा था, बहुत दिनों के बाद सेल्फ टैटू किया तो दर्द हो रही थी, मज़ा आ गया। मैं कुछ भी इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि मेरी टांग में टैटू हुआ है। ये कभी नहीं उठाता क्योंकि फ्रेश, क्योंकि ये कभी नहीं उठाता। कमजोर है ना बेचारा। कहाँ तुम पहाड़ियों से? ये ना गाइस प्रैक्टिस कर रही है, देखो प्रैक्टिस कर रही है, देख लो इधर, ये 4 पैकेट और एक बैग दे रखा है इसने मुझे, और खुद कुछ नहीं उठा रहा, नथिंग एट ऑल। यहाँ पे कुछ गिर रही है बेटे, हमारी गाड़ी गायब होगी, गाड़ी नहीं दिख रही हमारी, आगे देखना, मैंने वो सामने लाइट के पास लगाई थी, गाड़ी कहाँ गई, हमारी लाडो रानी गायब होगी, नहीं है भाई यहाँ भी नहीं है, आगे गाड़ी। ओके, मैंने अंकू भाई को बोला था गाड़ी लगाने को, लगा दी उन्होंने, चलो ये खड़ी।